गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्री में देखो, मैंने कहा ना ये डेबिट कर दो या वो क्रेडिट कर दो, तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आप देखना, जर्नल एंट्री में कोई डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होती। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो होती है ना, वो होती है हमारी टी शेप अकाउंटिंग में, समझना। टी शेप अकाउंटिंग मतलब लेजर में जो हमारा अकाउंट बनता है ना टी शेप, तो ये उसकी बात हो रही है। साइड तो यहीं पर और किसी में साइड नहीं है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है ना, वो सिर्फ लेजर में ही है और कहीं पे साइड नहीं। तो जो हम जर्नल एंट्री करते हैं उसमें, अब ये राज की बात, जो हम जर्नल एंट्री करते हैं उसमें तो सिर्फ हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब यू समझो ये किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कमांड मिल रही है कि भाई तू कैश अकाउंट को डेबिट कर दे, कैश अकाउंट को डेबिट कर दे, मतलब कैश के अकाउंट में डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दे। क्या रिकॉर्ड कर? जितने का मेरा अमाउंट में बोल रहा हूं उतना। अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। एंट्री करी मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 50,000 50,000। तो ये जो एंट्री है ना, ये सिर्फ कमांड है कि भाई मैं तेरे को दो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि पहला कैश को तो तू क्या करते डेबिट, और कैपिटल को क्या करते क्रेडिट। तो डेबिट कर दे मतलब ये तू जा कैश के अकाउंट में और वहाँ जाके डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दे। कितना रिकॉर्ड कर दे? 50 रिकॉर्ड कर दे, 50,000, ठीक है। अब ये कैश का अकाउंट क्या हो गया डेबिट, तो मुझे समझ थोड़ी आएगा कि 50,000 डेबिट हुए तो क्यों हुए। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर रेफरेंस डालता हूँ कि डेबिट क्यों हुआ, कैपिटल की वजह से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू कैपिटल अकाउंट, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। सेम चीज़ मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है, कैपिटल अकाउंट को क्या कर दे भाई तू क्रेडिट कर दे। तो अब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा और उसे क्रेडिट साइड में लिख दूंगा 50,000, लेकिन मुझे क्या पता पड़ेगा ये 50,000 कहाँ से आया कैसे आया। तो फिर मैं रेफरेंस के लिए क्या डाल दूंगा यहाँ पे, बाय कैश, समझे कि नहीं, क्लियर। तो यहाँ तो कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि साफ सुथरा रखने के लिए हमने एक कॉलम डेबिट का रखा लेकिन एक कॉलम क्रेडिट का रखा, लेकिन ये वो डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं। डेबिट और क्रेडिट मतलब वो डेबिट साइड तो ये है और क्रेडिट साइड ये है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अच्छा, तो मींस ईमान धर्म जिसको मैं बोलता हूँ अकाउंटिंग में, वो रही है छोटी सी टेबल। ये मार्कर रहता नहीं है मेरे पास, तो एक आज तक कंप्लीट हो ही नहीं पाई ये टेबल। यहाँ पे देखो, हमने पहले दिन में ये बात समझी थी कि दो अप्रोच है, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस वो ट्रेडिशनल अप्रोच थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है, तो हमने मॉडर्न अप्रोच का सहारा ले लिया। मॉडर्न अप्रोच सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, ठीक है, बस इतनी सी बात कहता है, बाकी सब तो कॉमन सेंस है। अगर असेट इंक्रीज पे डेबिट तो डिक्रीज पे क्रेडिट। असेट एंड लाइबिलिटी दोनों आपस में क्या होती है, अपोजिट, तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा, अपोजिट। असेट इंक्रीज पे डेबिट तो लाइबिलिटी इंक्रीज पे डेबिट। डन। लाइबिलिटी और इनकम के सेम रूल होते हैं। सर सेम रूल क्यों होता है, ये बात अपन ने कर ली। एज पर सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एक अलग आइडेंटिटी है, बिजनेसमैन अलग अलग आइडेंटिटी है। बिजनेस के पास खुद का कुछ भी नहीं होता, उसके पास जो भी असेट होता है किसका होता है, किसी से वो पैसे मांग के लाए, या तो बिजनेसमैन से या कहीं से उधार लाए, ठीक है। अब जब आप उधार के पैसों से बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट होगा वो भी किसका है, किसी और का है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ, उसमें जो मैं नेट प्रॉफिट निकालता हूँ, उस नेट प्रॉफिट को भी मैं कहाँ ले जाता हूँ, कैपिटल में ले जाता हूँ, मतलब उसको भी मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, मेरी लाइबिलिटी में। तो हम यूँ कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर मेरी इनकम किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइबिलिटी में। इसलिए इन दोनों के रूल सेम रखे जाते हैं, इसलिए जब आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। हेलो, हाँ रो मोक लो। इनकम और एक्सपेंस तो अपोजिट है ना, अपोजिट ट्रीटमेंट कैसा होगा, अपोजिट, ठीक है। अब यार हम जनरल एंट्री खूब सारी पढ़ के आए हैं,
तो है ना सिर्फ टॉपिक टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक डिस्कस करने के बाद डी के गोयल्स को रेफर नहीं कर सकते अपन। डी के गोयल तो बहुत बच्चों की तरह धीरे 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 पढ़ाता है। हम इतना टाइम थोड़ी, हम इलेवन थोड़ी पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। तो ये जो इलेवंथ क्लास में 15 से 20 दिन में चैप्टर खत्म होगा, वो तो मुझे 2 से 3 दिन में ही खत्म करना है यहाँ पर। तो आज अपन ब्रशअप कर रहे हैं, माइंड रिफ्रेश कर रहे हैं, पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं कि जो हम इलेवंथ में पढ़ के आए हैं। वहाँ पे सबसे पहली एंट्री पढ़ाई गई आपको कैपिटल की, जो मैंने अभी लिखी, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मुझ पर यकीन ना हो तो आ जाओ पेज नंबर 9.6 पे, पहला ट्रांजेक्शन यही मिलेगा आपको, ठीक है। वो होगा भी कितने का, 50,000 का। उसकी एंट्री भी देख लो आप, एंट्री क्या हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000, ठीक है, ओके। अब ज़रा समझो, सियाराम भाई साहब ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, हम किसकी साइड है, बिजनेस की साइड, हम किसकी साइड है, बिजनेस की साइड। बिजनेसमैन गया तेल लेने, बिजनेसमैन से हमें कोई लेना देना नहीं। उसने बिजनेस में पैसा लगाया तो मेरे पास तो पैसा आया, और पैसा मेरे लिए क्या है, असेट। आया मतलब इंक्रीज हो गया तो डेबिट, गया मतलब डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट। जिन्होंने ट्रेडिशनल से पढ़ा है वो भी यही पढ़ते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया ना, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ये कर दिया भाई कैश अकाउंट डेबिट, और ये जो पैसा आया मेरा हो नहीं गया, मालिक का है, मांगेगा तो लौटाना पड़ेगा, तो मेरे ऊपर क्या है, ये लाइबिलिटी। तो यार असेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, इसलिए मैंने कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसमें है ना, अब मैं आपको कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स सिखा देता हूँ। पहला ट्रिक कैश का, सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई सा भी ट्रांजेक्शन पढ़ो तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि ये ट्रांजेक्शन कैश का है या क्रेडिट का है। सबसे पहले यही डिसाइड करना है, ट्रांजेक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है। कैसे पता पड़ेगा कैश का है कि क्रेडिट का है, तो भाई स्टेप वन, क्या ट्रांजेक्शन में कहीं पे कैश वर्ड लिखा हुआ है क्या, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश लिखा हुआ है। अगला ट्रांजेक्शन देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश लिखा हुआ है। फिर एक छोड़ के चौथा देखो, परचेज फर्नीचर फॉर कैश लिखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ कैश 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 लिखा हुआ है तो बात खत्म, ये ट्रांजेक्शन किसका है, कैश का है। और जब ट्रांजेक्शन कैश का हो, जब ट्रांजेक्शन कैश का हो तो काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कैश एक ऐसी चीज़ है छोटे से बच्चों को भी समझ में आता है। नन्हे मुन्ना साला गोद का बच्चा, उसको यूँ बुलाओ, आ जा बेटा, नहीं आएगा मुँह फेर लेता माँ की तरफ, उन्हें पैसा दिखाओ यूँ छीनता है, ये तो काम की चीज़ है, ये ले लो, है ना। तो पैसा जब समझ में आ जाए तो इतना आइडेंटिफाई कर लो, पैसा आया कि गया। सर परचेज करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, सोच के बोलो, आराम से बोलो, परचेज करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। सेल करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाएगा तो हमारे पास पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। बिजनेसमैन जब पैसे विड्रॉ कर लेगा तो हमारे पास से पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। और पैसा क्या है, असेट। आया तो डेबिट, गया तो पैसों का रूल, आया तो डेबिट, गया तो, जोर से बोलो, पैसा आया तो डेबिट, गया तो, और जोर से, पैसा डन, खत्म। 60% ट्रांजेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। अब भाई पैसा मतलब अंगद का पैर, एक जगह जहाँ टिक गया तो किसी का बाप भी हिला नहीं सकता। अकाउंटिंग में होती है दो साइड, या तो डेबिट या फिर क्रेडिट। आपने कह दिया कैश डेबिट तो डेबिट, अगली चीज़ जो भी होगी वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। आपने कह दिया पैसा गया है सर, तो भाई साहब कैश तो क्या है, क्रेडिट। तो अगली चीज़ जो भी होगी वो क्या हो जाएगी, डेबिट। समझे कि नहीं, तो मतलब 50% में 100% काम हो गया, सोचने की ज़रूरत नहीं है। कैश देख लिया ना आपने ट्रांजेक्शन में, यूँ कर दो, यस मज़ा आ गया, क्योंकि पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अब कैश डेबिट है तो अगली चीज़ असेट हो, लाइबिलिटी हो, इनकम हो कि एक्सपेंस हो, रियल अकाउंट हो, पर्सनल अकाउंट हो कि नॉमिनल अकाउंट हो, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, वो कोई सा भी अकाउंट हो वो तो क्रेडिट ही होगा, क्योंकि कैश कहाँ बैठा है, डेबिट। क्लियर, बस इतना था तो समझना ही पड़ेगा कि अगली चीज़ होगी क्या। जैसे बिजनेस में पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, तो सर क्रेडिट किसको करूँ, कैपिटल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब तीसरा ट्रांजेक्शन देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश, अगला ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फॉर सुभाष, फ्रॉम सुभाष। क्या फर्क है सर, कैश का और क्रेडिट का,
तो ये बुक का पैटर्न नहीं है, ये यूनिवर्सल पैटर्न है। यूनिवर्सल पैटर्न क्या है कि भाई साहब अगर ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड लिखा हुआ है तो कैश का ट्रांजेक्शन, और अगर कैश नहीं है और किसी का नेम लिखा हुआ है तो फिर ये ट्रांजेक्शन किसका हो जाएगा, क्रेडिट का। क्रेडिट का ट्रांजेक्शन कब होगा, कैश नहीं है और नेम। बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं सर दोनों हो तो क्या करेंगे, तो देखो उसमें लिखा हुआ है चौथे पांचवे या छठे नंबर पे, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। सर इसमें तो कैश भी आ रहा है नेम भी आ रहा है, तो अरे बच्चों सबसे पहले क्या बोला मैंने, कैश। कैश है तो किसका ट्रांजेक्शन है, कैश का। अगले उसमें देखो उसी के नीचे वाला, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, अब कैश नहीं है ना, अब क्या है नेम, तो फिर ये किसका ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट का। क्रेडिट का ट्रांजेक्शन मतलब उधार में खरीद के लाए, उधार में किसी से परचेज करके लाते हो तो वो कौन बन जाता है आपका, क्रेडिटर। कौन बन जाता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर मंजे लाइबिलिटी, तो आपके ऊपर क्या आ गई, लाइबिलिटी आ गई। लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, तो ये रवि भाई साहब क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। और मैं माल परचेज करके लाया हूँ तो परचेज क्या है मेरे लिए, खर्चा। इंक्रीज हो गया तो डेबिट, एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। तो जरा देखो, एक तो ये तीसरे नंबर का ट्रांजेक्शन देखो और ये पांचवे छठे नंबर का ट्रांजेक्शन देखो, एक हो रहा होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, एक हो रहा होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। आ रहा है क्या, हाँ ओके। फिर एक कभी कभी आईसीआई वाले देते हैं, सिर्फ इतना सा आएगा परचेज गुड्स, ओनली परचेज गुड्स, ना कैश ना नेम, नथिंग, कुछ भी नहीं लिखा होगा। फिर ये किसका ट्रांजेक्शन होगा, कैश का कि क्रेडिट का, बोल बेटा तू बोल। परचेज गुड्स तो ट्रांजेक्शन कैश का कि क्रेडिट का, बाय डिफॉल्ट कैश होता है, कैश का ट्रांजेक्शन। एक फैकल्टी मुझसे अड़ गई, फैकल्टी स्टूडेंट भी नहीं, फैकल्टी मुझसे अड़ गई, आप कैसे कह सकते हो ये कैश का, मैं तो स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं तो क्रेडिट का कराता हूँ। मैंने कहा गधे, क्रेडिट का कैसे हो सकता है, जब अगर ट्रांजेक्शन क्रेडिट का है तो पार्टी क्या बनी आपकी, डेटर या क्रेडिटर। उधार में सेल करोगे तो डेटर, उधार में परचेज करोगे तो क्रेडिटर। अभी परचेज की बात करते, पार्टी बनी आपकी क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कोई एक होता है कि अनेक होते हैं, क्रेडिटर एक होता है कि ढक्कन धुआं जूता फेंक के मारूंगा शब्बीर सर की तरह। क्रेडिटर कितने होते हैं, अनेक। किसी एक से ही उधार खरीद के लाते हो क्या, दुकानदारी करते हैं तो सबसे खरीदते हैं अपन, तो क्रेडिटर तो बहुत सारे होते हैं। और वो कहता है मैं तो क्रेडिटर अकाउंट लिख देता हूँ। मैंने कहा तू यहाँ बच्चों को समझाने में लिख देता है, लेकिन पॉसिबल थोड़ी है, अगर कुछ नाम गिवन ही नहीं है, आप सिर्फ क्रेडिटर अकाउंट लिख दोगे तो कैसे पता पड़ेगा पैसे किसको देने और कितने देने। इसीलिए तो हर क्रेडिटर का अकाउंट उसके अलग अलग नाम से लिखता है, और जब तक नाम नहीं है तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन किसका है, कैश का। फिर नहीं माना, क्या नहीं 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 तो आप कुछ भी करो, मैं कैसे मानूँ। मैंने एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मान ले तेरी खुद की दुकान है, कोई एक आया तेरे पास, उसने कहा भाई साहब ये चीज़ें दे दी, तूने उसको थैली में बांध के दे दी, कितने रुपये, उन्हें बोला 500 रुपये, उसने तेरे को 500 रुपये दिए और थैली उठा के चलता बना, तू रोकेगा क्या उसको, नहीं मैं क्यों नहीं रोका, क्योंकि मेरे पास मेरा पैसा आ गया। मैंने कहा अब एक बात बता, वही कस्टमर अगले दिन फिर आया और डायरेक्ट थैली उठा के चलता बना, पैसे नहीं दिए, तू रोकेगा नहीं रोकेगा, रोकू सबसे पहले क्या पूछेगा, अरे वो पैसे तो भैया भाई साहब कल दूंगा, आज नहीं है बेटा उस वाली क्लास में, कल दूंगा आज नहीं, तो वो जहाँ वो कल की बात करेगा तो उसका नाम पूछेगा नहीं पूछेगा, उसका नाम, उसके बाप का नाम, कहाँ रहता है, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर पूछेगा नहीं पूछेगा, पूछेगा ना। इसका मतलब अगर उधार का ट्रांजेक्शन है तो नाम होना ज़रूरी है कि नहीं, नाम नहीं है तो उन्हें पूछा ही क्यों नहीं, क्योंकि तेरे पास क्या आ गया, तेरा कैश। नाम नहीं है तो फिर ये किसका ट्रांजेक्शन है, बाय डिफॉल्ट कैश का ट्रांजेक्शन। समझ में आया कि नहीं, ओके। तो तीन स्टेप हुई, सर कैश है तो कैश का ट्रांजेक्शन, कैश नहीं है नेम है तो क्रेडिट का ट्रांजेक्शन, और अगर नथिंग सर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो वापस से किसका ट्रांजेक्शन, कैश का, कंप्लीट, ओके। चलो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पे। बेटा समझ के आप सब आए हो, आता आपको सब कुछ है, लेकिन हम उस टेक्निक से, उस पैटर्न से सीख रहे हैं कि जो हमारा काम है ना वो 2x स्पीड से हो जाए, डबल तेजी से हो जाए, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़े, अपने आप ट्रांजेक्शन पढ़ते ही माइंड खुद एंट्री बता दे।
तो इसके लिए आपको अपनी थिंकिंग चैनलाइज करनी पड़ेगी और हमें सेम डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। नहीं तो जब जनरल एंट्री की बात आती है तो कोई बच्चा पहले डेबिट के आस्पेक्ट से सोचता है, कोई बच्चा पहले क्रेडिट के आस्पेक्ट से सोचता है, मतलब डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा ये सोचता है और सोचता ही रह जाता है, सोचना स्टार्ट कहाँ से करना है यही सोचता रह जाता है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री का एक थिंकिंग चैनल हमने बनाया है कि जब भी आप ट्रांजेक्शन पढ़ोगे तो 1, 2, 3 चलोगे। जैसे ही आप ये तीन सवाल के जवाब अपने आप से पूछोगे आपके पास एंट्री क्लियर होगी। पहला, ट्रांजेक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर टू कि अगर ट्रांजेक्शन कैश का है तो क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाओ और अगर ट्रांजेक्शन क्रेडिट का है तो क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर टू ये कहता है कि अगर ट्रांजेक्शन कैश का है तो कैश के साथ सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती है, तीसरा कोई आस्पेक्ट है ही नहीं। क्या? कि या तो पैसा आपके पास आएगा या पैसा आपके पास से जाएगा, या तो आप रिसीव करोगे या फिर आप पे करोगे। और अभी मैंने आपको कैश की टैगलाइन सुनाई, टैगलाइन समझते हो आप लोग? हाँ, जिंदगी के साथ भी हाँ इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला है कि नहीं, तो ये टैगलाइन आदि बोलो पूरी अपने आप निकलती है। तो कैश की टैगलाइन क्या है? पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अगर आप कैश रिसीव कर रहे हो तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो बात खत्म सर, कैश डेबिट है तो अगली चीज क्या होगी? क्रेडिट। अगर आप कैश पे कर रहे हो तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट। कैश क्रेडिट है तो अगली चीज क्या हो जाएगी? डेबिट। काम जल्दी हुआ कि नहीं? क्यों सोचूं मैं? परचेज है, सेल है, डेटर है, क्रेडिटर है, कैपिटल है, ड्रॉइंग्स है, मैं क्यों सोचूं? असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है कि एक्सपेंस है, मैं क्यों सोचूं? भाई कैश लिखा हुआ है ना उसमें। तो बात खत्म, ये बता आया कि गया? ठीक, अब चलते हैं अपन अगला। सर अगर ट्रांजेक्शन कैश का नहीं है तो फिर तो ट्रांजेक्शन किसका होगा? क्रेडिट का है ना। क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है तो क्रेडिट में भी सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं परचेज करूंगा या फिर मैं सेल करूंगा, या तो मैं परचेज करूंगा या मैं सेल करूंगा। तो पहली टैगलाइन किसकी है? कैश की। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। दूसरी टैगलाइन है सेल्स की। क्या टैगलाइन है? बोल बेटा। हाँ काम ही हो, बोल बेटा टैगलाइन, बोल सेल्स की क्या है? सेल्स ने कर रखी है 2 के साथ शादी, मतलब सेल्स कभी भी कहीं भी अकेला नहीं आएगा, किसको साथ लेके आएगा? 2 साथ में चल। सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होगा। आप अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं पढ़ सकते जिसमें सेल्स कभी डेबिट हो रहा हो। तो फिर कोई मुझसे कहे सर ऐसे तो फिर परचेज भी हमेशा डेबिट ही होगा? नहीं भाई, परचेज डेबिट भी होगा और स्पेशल स्पेशल ट्रांजेक्शन में क्रेडिट भी होगा, लेकिन सेल्स का कोई ऐसा स्पेशल ट्रांजेक्शन नहीं है जिसमें सेल्स डेबिट हो रहा हो, सेल्स हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। फिर कोई और होशियारी, नहीं सर सेल्स डेबिट होता है, कहा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। अरे ढक्कन पाप तो धोने पड़ेंगे। अब अगर तूने सेल्स का अमाउंट गलत क्रेडिट कर दिया है, ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है, तो सुधारने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो तेरी गलती है। सेल्स खुद कभी क्रेडिट होता है, डेबिट होता है क्या? नहीं ना, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होगा। तो बात खत्म सर। अब अगर क्रेडिट का ट्रांजेक्शन, तो मैंने सोचने का विचार ही पलट गया, मैं दूसरी टैगलाइन पे आ गया कि सेल्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो फिर परचेज क्या हो जाएगा? डेबिट। तो ये लो, अगर सेल्स है तो एंट्री होगी सेल्स अकाउंट, क्या होगा ये? क्रेडिट। और परचेज है तो परचेज क्या हो जाएगा? डेबिट। और ये वाला ट्रांजेक्शन इस कैश से भी सिंपल है। कैसे? कि कैश में तो सिर्फ कैश का ही पता पड़ रहा है, कैश डेबिट, तो अगली चीज़ क्रेडिट तो होगी, लेकिन अगली चीज़ क्या होगी इसकी नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, कि कैपिटल है, सेल्स है, बंदे का नाम है, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ तो अगली चीज़ भी हमें पता है। कैसे? कि भाई ये क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है, और क्रेडिट का ट्रांजेक्शन कब होता है? जब नेम होता है। आपने सेल को तो क्रेडिट कर दिया, परचेज को तो डेबिट कर दिया, नेम कहाँ जाएगा? तो नेम ऑन अनदर साइड। ये लो सिंपल, सेल क्रेडिट है तो नेम क्या हो जाएगा? डेबिट। परचेज डेबिट है तो नेम क्या हो जाएगा? क्रेडिट। नहीं तो इससे पहले वो सोचते ही रह जाते हो, अबे यार ये मेरा डेटर है कि क्रेडिटर है, ये मेरे लिए असेट है कि लाइबिलिटी है,
मेरा क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, टाइम तो लगता है कि नहीं लगता सोचने, टाइम तो लगता है सर हमें आता है, अरे भाई आता है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर एक सेकंड भी लगा तो टाइम तो लगाना, यहाँ पे हमें वो सेकंड ही तो बचाने हैं, यहाँ पे बहुत कीमती है। वहाँ जहाँ आप 12th क्लास में अभी रिजल्ट आएंगे, आप सब के 90, 95, 99, 100 भी आएंगे, और यहाँ जब तुम ये पढ़ोगे ना तो तुम ऊपर वाले भगवान से पास ही कर दे, 90, 95 तो बहुत दूर हो गए, यहाँ तो सिर्फ तू पास ही कर दे मेरे को, इतना फ़र्क आ जाएगा पढ़ाई में। मतलब जो लड़ाई है ना लड़ाई, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम की है। हम पूरे साल इस बेसिस पे पढ़ेंगे कि वो पूरी साल की पढ़ाई, वो तुम्हारे एक पेपर के एक दिन पहले जो छुट्टी है ना, उस छुट्टी में तुम पूरा सिलेबस रिवाइज कर सको, सिर्फ इसीलिए पढ़ेंगे हम पूरे साल, बस वो एक दिन के लिए पढ़ेंगे। वो एक दिन तुम्हारा रिविजन रह गया ना, तुम्हारा पेपर छूटेगा ही छूटेगा, मैं भुगत भोगी हूँ उसका, कहानी अगले क्लास में सुनाऊंगा। यहाँ आ जाओ कि सर सेल क्रेडिट है और परचेज डेबिट है, तो इसके लिए एक और चीज़ लिखेंगे, नेम ऑन अनदर साइड, कि नेम कहाँ आएगा, अनदर साइड, सेल क्रेडिट तो नेम डेबिट, परचेज डेबिट तो नेम क्रेडिट। पर ऐसा नहीं है कि ट्रिक ट्रिक में रह जाए, लॉजिक सबका पता होना चाहिए। सेल क्या है मेरे लिए, इनकम इंक्रीज हो गई इसलिए क्रेडिट, परचेज क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो डेबिट। जिसको मैंने सेल करा उधार में, वो क्या बन गया, डेटर, उसने पैसे अभी नहीं दिए, कब देगा, बाद में, बेनिफिट कब मिलेगा, बाद में, तो क्या बन गया वो मेरे लिए, असेट, जिसका बेनिफिट बाद में मिले वो असेट, असेट मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, इसलिए सेल क्रेडिट और नाम क्या हो जाएगा, डेबिट। जिससे मैं परचेज करके लाया हूँ वो बन गया मेरा क्रेडिटर, मुझे उसको पैसे देने हैं, मेरे ऊपर क्या आ गई, लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, परचेज खर्चा है डेबिट हो गया, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्रेडिट, डन, बाय, टाटा सी यू, बाकी कल पढ़ेंगे बेटा प्लीज़।